मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, कौनसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बायतेमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। मालेगांव शहर में खास तौर से पवार वाली पुलिस स्टेशन की हद्दी में गुंडागर्दी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है और पुलिस पवारवाड़ी की उस तरह कार्रवाई नहीं कर रही है कि गुंडों पर पुलिस का दबदबा बने। 10 नवंबर को खुलेआम तलवार लेकर, औजार लेकर कुछ लोगों ने जाफरनगर से लेकर पवारवाड़ी के इतराफ़ में कई होटलों पर एक दहशत पैदा कर दी और आज लगभग 12-15 दिन हो जाने के बाद भी एक भी आरोपी उसमें अटक नहीं हुआ, जिसके लिए हम आज एडिशनल एसपी भारती साहब के पास आए थे। उन्होंने कहा कि गुंडों की शनाख्त हो चुकी है, हम कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की, मगर मैं पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के अधिकारी और जो भी लोग हैं उन पर बहुत हैरान हूँ कि कल फिर रात में जाफरनगर में वारदात हुई। वो ऐसा पुलिस स्टेशन है जहाँ मुसलसल वारदात होते रहती है, मगर गुंडे क्यों डरते नहीं हैं ये वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सोचने का सवाल है। और हमने एक लिखी में उनसे मुतालबा किया कि इन गुंडों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि कल रात में 2:30 बजे कुछ लोग मेरे पास ऑफिस पर आए थे और उन्होंने जो बताया कि जाफरनगर और इतराफ़ में मुसलसल गुंडागर्दी से एक दहशत का माहौल बना हुआ है और ये पुलिस डिपार्टमेंट और शहर के आम लोगों के लिए अच्छी अलामत नहीं है कि इस तरह की गुंडागर्दी होने के बाद गुंडे 15-20 दिन तक पकड़े ना जाएं। कुछ लोगों का ये बोलना है कि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है, सब है, 12-15 लोग अगर एक साथ रात में निकलते हैं तो मेरी समझ से 24 घंटे में उन गुंडों को पकड़ लेना चाहिए था, मगर आज 15 दिन के होने के बाद भी गुंडे नहीं पकड़े गए। एडिशनल एसपी साहब ने कहा है कि बहुत जल्द ही हम उनको पकड़ लेंगे और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ये आश्वासन उन्होंने दिया है। पुलिस ने पकड़ी नहीं उनको, तो ना पकड़ने के पीछे एक तो पुलिस का दबदबा ख़त्म हो गया और शहर का सियासी दबदबा भी नहीं रहा कि वार्निंग देने के बाद भी पुलिस ने पकड़ी नहीं। शहर का नुमाइंदे का सियासी दबदबा ऐसा है कि वो मुझे अब लगता है कि सिर्फ यूट्यूब चैनल पर बचा है, कोई प्रोसेस से या इस ढंग से उनका कोई कामकाज मुझे नहीं दिखता कि एक बयान दे देना कि इस तरह से उनसे बदला लिया जाएगा कि छोड़ा नहीं जाएगा। और वो बात हुआ आज 15 दिन हो गया, उसके बाद उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई उसके पीछे काम नहीं किया जाता। सियासी दबदबा तो हम मानते ही नहीं और हम हमेशा बोलते हैं कि पुलिस का दबदबा आम आवाम पे नहीं होना चाहिए, पुलिस का दबदबा गुंडों पे होना चाहिए और अभी जो पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन हद्दी में गुंडों पर पुलिस का दबदबा बिल्कुल नहीं बचा है। नशा और असिया इस शहर में इतनी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, इतनी ज़्यादा लोग नशे वाले हो गए हैं कि मैं ऑफिस पर अगर बैठता हूँ और जो हिसाब से नौजवान तबका कोई काम से या कोई मामले में आता तो मैं जब गौर करता हूँ तो मुझे एक दो लोग ऐसे लगते हैं कि जो नशा कर रहे हैं। नासिक ज़िला ऐसे ही नशे में हेडलिस्ट पर है, पीछे नासिक में उसके खिलाफ़ अद्वै हीरे बड़ा आंदोलन किए, वो दूसरी क्या वजह है आज अद्वै हीरे जेल चले गए ये अलग बात है, मगर जो भी नशे का मामला है नासिक ज़िले का वो होम ग्राउंड अगर कोई है तो मालेगांव है और मालेगांव की नौजवान नस्ल बिल्कुल नशे की वजह से बिगड़ती जा रही है और नशा एक ऐसी चीज़ है जिससे सिर्फ उस फर्द का नुकसान नहीं है, वो पूरे समाज का नुकसान है और पुलिस ऐसी कोई कार्रवाई करती हुई नशा और असिया पर मुझे तो नहीं दिखती। गुटखों पर कार्रवाई कर रही है, अच्छी बात है, करना चाहिए, मगर जिससे पूरा समाज खराब हो रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और सियासी दबदबा ऐसा इस शहर में बचा ही नहीं है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट पर असरअंदाज हो।